जिसको हम मेजरमेंट ट्रांसफर या नापने के लिए यूज करते हैं। मेजरमेंट ट्रांसफर करने के लिए हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम स्केल का यूज करते हैं तो ये उतने एक्यूरेट नहीं होते। इनकी एक्यूरेसी लगभग 0.5 mm तक होती है। इनसे हम सेंसिटिव फील से जॉब का पैरेललिज्म भी चेक कर सकते हैं। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में फाइन एडजस्टमेंट होती है, जिससे एक्यूरेसी फर्म जॉइंट से ज़्यादा होती है और इनको हम इजीली एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैलिपर्स के बारे में। कैलिपर्स को हम दो तरह से जानते हैं, उनके जॉइंट से और उनके लेग के टाइप से। फर्म जॉइंट में दो तरह के कैलिपर होते हैं, इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर। इसी तरीके से स्प्रिंग जॉइंट में भी दो तरह के कैलिपर होते हैं, इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर। पहले बात करते हैं आउटसाइड कैलिपर के बारे में। आउटसाइड कैलिपर में कैलिपर की लेग्स अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं, जैसे फिगर में दिखाया गया है। आउटसाइड कैलिपर से हम आउटसाइड डायमेंशन नापते हैं या ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर में कैलिपर की लेग्स बाहर की तरफ मुड़ी होती है, जिनसे हम इंटरनल डायमेंशन आसानी से नाप सकते हैं, जैसे इंटरनल स्लॉट्स, रिसेस, होल डायमीटर्स और पैरेलल सरफेस। नेक्स्ट है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर एक ऐसा कैलिपर है जिसकी एक टांग अंदर या बाहर की तरफ मुड़ी होती है। ये 150, 200, 250 और 300 mm साइज में आते हैं। जेनी कैलिपर्स का यूज करते हैं हम पहला राउंड बार्स का सेंटर ढूंढने के लिए कर सकते हैं, जैसा फिगर में दिखाया गया है। दूसरा अंदर या बाहर वाले एजेस के पैरेलल लाइंस खींचने के लिए। जेनी कैलिपर्स में या तो एक बेंट लेग होती है या एक हील नुमा हिस्सा होता है एक लेग पर। बेंट लेग का इस्तेमाल हम इनसाइड एजेस के पैरेलल लाइंस खींचने के लिए करते हैं और हील का इस्तेमाल हम बाहरी कोनों के पैरेलल लाइंस खींचने के लिए करते हैं। जेनी कैलिपर के कुछ और भी नाम हैं, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर और ऑड लेग कैलिपर। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद